ये समय है कि दिव्या अग्रवाल के घर पे है और आप देख रहे हैं कि जहाँ पे इनके सगे संबंधी जो घर के हैं और आसपास के नजदीक के जो पड़ोसी है वही घर पे वार पास निकल रहे हैं कि दिव्या ने यहाँ पे मानना की है मार्क्स प्राप्त किए हैं आठवीं कक्षा में और क्षेत्र में इन्होंने बेहतर किया है प्रदर्शन और इस तरह आज खुशी का वो लड़के घर में और बेटी को इसकी दादी और माता पिता ने मिठाई खिला के अपनी खुशी का इजहार किया। तो आइए दिव्या जी से जानते हैं कि वो क्या कहती हैं, इनका क्या कैसा रहा इस परीक्षा कैसे थी। दिव्या जी क्या कहना चाहेंगे, आपकी परीक्षा कैसी रही और कितनी मेहनत की आपने इसके लिए? इट्स ऑल अबाउट माय हार्ड वर्क एंड द सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स एंड द होल फैमिली एंड मैंने बहुत पढ़ा। मेरा एम यही था कि बस एक अच्छी पोजीशन आ जाए एंड ताकि मैं अच्छा करियर कर पाऊँ। कितने घंटे आप लोग पढ़ाई करते थे इसको लेके, आपकी जो तैयारी थी इसके लिए क्या क्या आपने कैसे किए? स्कूल से आने के बाद मैं रोज शाम को शाम से लेकर रात तक पढ़ती रहती थी और फोन को मैं ज्यादा टाइम नहीं देती थी। आजकल अधिकतर जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, उनके यही अपने बच्चों से वो घर में इस तरह का माहौल रहता है कि वो कहते हैं कि बच्चे मोबाइल बड़ा इस्तेमाल करते हैं और दूसरे लोग भी कहते हैं कि समाज के लोग भी कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जरूरत है उन्हें कोई पढ़ाई के रिलेटेड तो उससे वो कर सकते हैं। तो कैसा पेरेंट्स का मानना है और आप तो कह रहे हैं कि आपने कम अटेंड किया है इसको मोबाइल को? मेरे पेरेंट्स मुझे खुद कहते थे मोबाइल लेने के लिए बिकॉज मैं जब पढ़ती थी मैं कंटिन्यूसली पढ़ती रहती थी बट मम्मा कहती थी कि रेस्ट भी चाहिए होती है तो वो मुझे खुद मोबाइल देती थी बिकॉज उन्हें पता था कि मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, मैं अपने एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थी। कितने घंटे पढ़ाई करते थे खुद? लाइक 8 to 9 आवर्स। जब भी रेस्ट लेनी होती है मैं टीवी शोज देखती हूँ या मोबाइल देखती हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे दूसरे बच्चों को जो आपके छोटे भाई बहन है या दूसरे हमारे देश के बच्चे हैं, तो कैसी अचीवमेंट करें अपना टू अचीव सक्सेस इन लाइफ एंड मोबाइल को थोड़ा कम टाइम दीजिए। हाँ मोबाइल ज़रूरी है और थोड़ा रेस्ट के लिए माइंड डाइवर्ट भी करना ज़रूरी है, तो हाँ मोबाइल को थोड़ा कम टाइम दीजिए। बट स्कूल की ओर से आपको क्या सपोर्ट मिली? स्कूल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, ऑल द टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो आपकी इनकी दादी है हमारे साथ, तो इनसे जानना चाह रहे हैं कि आपकी पोती ने ये अचीवमेंट किया, अच्छे नंबर लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मेरे बच्चे इतनी तरक्की करते रहे तो और आगे भी इससे भी ज़्यादा तरक्की करें, अपने माँ बाप का अपना नाम रोशन करें। आपको उम्मीद थी कितने नंबर आएंगे? हाँ मेरे को इससे ज़्यादा उम्मीद थी। घर में खुशी का माहौल है, आपकी बेटी ने अच्छे नंबर लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जी आज सातवें आसमान में हूँ, वैसे तो मुझे इससे पूरी उम्मीद थी कि जो नंबर लेगी वो बढ़िया ली है और जो मैंने सोचा था इसने कर दिया। तो आगे बच्ची आपकी क्या बनना चाह रही है और उसकी क्या सोच है, क्या लेके चल रही है? मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर बने, बाकी ये क्या सोचती है, लेकिन ये बच्चों को मैंने छोड़ दिया है कि जो ये बनना चाहे खुद ही बने, क्योंकि मैं बोझ नहीं डालना चाहता बच्चों को, खुद ही बनेगी अपनी सोच से बनेगी और अच्छा जाएगी। ये मुझे बुरी